अगर आपके तालाब में भी पानी नहीं रुकता है, पानी आप भरते जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि पानी कहाँ चला जाता है, यानी मिट्टी किस तरह की है आपके तालाब में, आपके तालाब की मिट्टी मछली पालन योग्य है कि नहीं है, इसकी जाँच करना हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। बिना एक रुपया खर्च किए हुए आप खुद से इसकी जानकारी ले सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, और किस तरह करेंगे उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आपको अपने तालाब के नज़दीक जाना है, किसी चीज़ से चार जगह से पांच जगह से अपने तालाब का थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले लेना है, हाथ में मिट्टी ले करके उसे दबा करके गेंद के आकार में गोला बना लेना है, और उस गोले को गेंद के आकार का जो आप गोला बना लिए हैं उस गोले को ऊपर की तरफ उछालना है, जैसे आप बचपन में गेंद खेले होंगे, गेंद को लोक रहे होंगे, उस तरह से उछाल करके पुनः अपने हाथों में पकड़ लेना है, हाथ में लोक लेना है। इस प्रक्रिया में अगर इस तरह से आप करते हैं तो मिट्टी की गेंद टूटकर बिखरती नहीं है, तो यह मिट्टी मछली पालन के लिए उपयुक्त है। गेंद जैसा आप गोला बनाए थे ऊपर की तरफ उछाले थे और फिर अपने हाथ में जब उसको कैच करते हैं तो यह बिखरती नहीं है, यानी टूटती नहीं है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि यह मिट्टी मछली पालन योग्य है, उपयुक्त है। इस तरह की मिट्टी में अगर आप मछली पालन करते हैं तो मछलियों का अच्छा खासा ग्रोथ होगा, मिट्टी की पानी अपने तालाब की पानी भी रुकेगी, और आप इस व्यवसाय में जिस तालाब का मिट्टी की जाँच आप कर रहे हैं उस तालाब में अगर मछली पालन करेंगे तो अच्छा खासा आपको मुनाफा होगा, मिट्टी आपका उपयुक्त है, मछली पालन योग्य है मिट्टी, और इसके साथ ही आपका मिट्टी का पीएच भी टेस्ट करा लेना पड़ेगा और क्षारीयता तथा अम्लीयता आदि का भी परीक्षण कर लेना चाहिए, और जब पानी डालें उसमें तो और भी प्रक्रिया है, ऑक्सीजन को टेस्ट करते रहें, अपने तालाब के पानी का पीएच टेस्ट कराते रहें, अमोनिया लेवल टेस्ट कराते रहें और ग्रोथ अच्छा पाते रहें दोस्तों। इस तरह से आप मिट्टी की जांच करके जो हम विधि बताए हैं उसके अनुसार आप मिट्टी स्वतः जांच करा सकते हैं, कहीं किसी लैब में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का जानकारी के लिए मेरा वीडियो देखते रहें, धन्यवाद।